इतना सारा घास या ये सब इसके अंदर ना रहते हैं माल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो की शुरुआत हम खुशी से ही करते हैं। सुबह का 7 बज चुका है और ये लड़की 6 बजे से उठ के रेडी होके मतलब अच्छे से ब्रश करके ड्रेस व्रेस पहन के अपनी कलर टिफिन वगैरह सब ले चुकी है और निकल रही है स्कूल के लिए और ऑटो में ही जाएगी और आती जा रही है उसको ऑटो तक छोड़ने। यहाँ पर देखिए मैं अपनी तुलसी जी के पास आ गई हूँ और यहाँ पर ये छोटा वाला सांप है, मतलब क्या है इसका नाम, एक मतलब जो लिजर्ड है ना उसी को पकड़ के देखिए किस तरह यहाँ पर हमारे झरोखे के पास ही इस तरह उसको मैं से बाइट करके ना ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर डर लगता है और इसको मैं अभी शूट कर रही हूँ, इसको हस्बैंड लेके बाहर जाके वो जंगल पास से है वहीं पर छोड़ के आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे जो घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वहाँ पर बहुत सारा घास भर गया है तो इसी को हम आज सुबह हम दोनों मिलके साफ करेंगे। हस्बैंड देखिए बहुत सारे घास निकल चुके हैं, वो पीछे वाला पोर्शन से निकाल के यहाँ पर आ गए हैं, बहुत सारे घास है उसे साफ नहीं करेंगे तो ये सब माल सब घर के अंदर चले जाएंगे। ये सब रहते हैं हम इसे साफ करते और पीछे का तरफ बिल्कुल साफ हो चुका है और घर का अंदर का हिस्सा हस्बैंड ने इतना सारा साफ किया है, कितना पसीना हुआ कितना पसीना देखिए। और मेरा एक काम है, मैं फेंक के आती हूँ और लेके जाऊँगी, आज इतना फेंक लेके के आती हूँ फिर और लेके जाऊँगी बाहर से पूरा। बिल्कुल घास फूल हो जाता है और फूलों के इसके अंदर सब रहते हैं क्रिएचर, इसलिए हम लोग साफ है। इतना छोटा है हम गली रहे, कोई लेबर भी नहीं मिलता तो हमें खुद ही ये सब करना पड़ता है। ये करेंगे ना जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही इन लोगों का अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे कुआं के पास है ना ये दस, और मतलब ये छोटी सी जगह हमने मतलब खाली स्पेस रह गया है हमारा, कुछ बनने का प्रोग्राम था पर कुछ हुआ ही बन ही नहीं पाया तो इसलिए ब्लैंक स्पेस यहाँ पर रह गया है। यहाँ पर भी बहुत सारे घास, मतलब बहुत सारे घास, एक एक बोरी भर के घास हो गया था तो उसी को भी हस्बैंड ने देखिए साफ कर दिया है ये। और ये एक छोटा सा मतलब काठा चंपा का पेड़ ही है, बाकी सबको साफ पता है। इसका मतलब ब्रांच भी हम लोग तोड़ देंगे जल्दी क्योंकि यही लास्ट ईयर ना इसी जो विंडो से एक घुस गया था, वही जो नाम नहीं बताऊंगी डर लगता है मुझे। और ये देखिए और एक छोटा सा जगह है यहाँ पे मेरा मतलब घर, ये तो कंपनी का बाउंड्री है बाउंड्री और ये मेरा घर है, ये वाला ये घर है और ये बाउंड्री। यहाँ पर बीच में जितना छोटा सा जगह है ना ये भी वाला भी हमने सारा साफ कर दिया है और नहीं साफ करेंगे ना बहुत सारे घास भर गया था सब साफ कर दिया, नहीं साफ करते हैं तो डर लगता है यहीं से
देखिए घर के पीछे बिल्कुल भी मतलब बहुत ही खाली जगह है जहाँ पर बहुत सारे, देखिए कितने सारे पौधे, कितने सारे घना मतलब पौधा, यहाँ पर डेंसिटी बहुत और ज़्यादा है। तो यहीं पर से ये लोग आ जाते हैं अंदर, डर लगता है। और ये पता नहीं ये पास की घर के मेरे पड़ोस के, क्योंकि बिल्ली हमारे यहाँ आ जाते हैं। हमारी काली तो अब नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। तो इसी तरह आप सिर्फ ये घर का अंदर का हिस्सा ही रह गया है, और किसी को बुलाएंगे तो वो साफ करेगा। ये बहुत सारे, ये टोटल घर के अंदर का जितना सारा घास है सारा वो एक दिन आके साफ करेगा। बस इसी तरह बस बारिश हमारा कट जाता है और खुश। और अभी फ्रेंड्स देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कितना जोर से धूप था, कितना जोर से बारिश हो रहा है। देखिए मतलब वेदर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बस 5 मिनट में इतना वेदर चेंज होता है, समझ में नहीं आता क्या करें। देखिए कितना ज़ोर से बारिश, ये थोड़ी राहत मिली, ठंड थोड़ी आ गई, मतलब बहुत गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई, बस इतना ही अच्छा लगता है। कुछ मामा अकेली बैठी, कुछ मामा खा रही है आलू भुजिया, आलू भुजिया खा रहे हो मामा अकेले अकेले। और यहाँ पर देखिए शाम हो चुका, मतलब शाम होने को ऐसा ही, अभी 6:30 हो गया है। देखिए कितना सारा गाय गोमा था, बहुत सारे हमारे मतलब गेट पर रहते हैं, पता है ये लोग रात में यहाँ पर सोते हैं। और इतना ज़्यादा मतलब गोबर यहाँ पर मिलता है, लोग ना यहाँ फिर गोबर कलेक्ट करके इनका 1 साल का कंपोस्ट भी हो जाता है। दिखाती हूँ मैं, ये इसका उम्र ज़्यादा नहीं है, ये ऐसा जैसा दिखता है जितना बड़ा दिखता है ना, इसको सिर्फ 1 या 1.5 साल होगा। इसका मतलब आचरण भी छोटे बच्चे जैसा होगा। ठीक है मामा, तुम इससे बड़े हो, ये तुमसे छोटी है। ये जब सच में खड़ी हो जाएगी सच में, इसको खुजली हो रही है, खुजली गो माता को खुजली हो रही है रे। इसको गो माता नहीं कहते, और क्या कहते हैं इसको, जो सफेद है ना उसको सब गो माता, गो पिता कहते हैं, गो माता कहते हैं। ये हमारे यहाँ ना शाम का नजारा है, बहुत सारे गाय यहाँ पर रहते हैं। और देखिए ये तो हमारे घर के आगे रहते हैं इधर, और यहाँ पर भी एक झुंड है। देखिए यहाँ पर भी ये लोग एक झुंड में सोते हैं, रात भर यहाँ पर सोते रहते हैं ये लोग। और वहाँ पर एक छोटा सा दुकान है, बस इतना ही है, बाकी उसके आगे सिर्फ कॉलेज है, अपार्टमेंट है और कुछ नहीं, बस सारे यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी बना नहीं है, हम लोग पहले आके रह गए। और आसमान का व्यू देखिए इतना सुंदर, वाओ, सनसेट रेड, दिस इज सनसेट रेड। अच्छा लगता है आपको, उसे हमको अच्छा लगता है। सच में खा लो, हम बोतल लेके घर में चलो, ठीक है चलो आरती करते हैं, हाँ भगवान जी का। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो पोटिको है, घर का जो पोटिको बन रहा है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही घास से भर गया था। देखिए ये सब यहाँ पर से साफ हो गया, और घर का भी थोड़ा चलते हैं ऊपर आपको दिखाते हैं। कोई बंदर था शायद,
किसने कूद लिया या एस्बेस्टस के ऊपर, वही देखने आई थी। ये देखिए हमारे ऊपर का नज़ारा, ये मतलब छत जब बन जाएगा ना इसी तरह देखने को मिलेगा आपको, अच्छा दिखता है। ये जो नारियल का पेड़ है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में ये सब। और अभी फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 5:30-6 हो गया है, तो इसलिए अभी हमारा टाइम हो गया है आपसे विदाई लेने का। तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, एक नेक्स्ट अच्छे वाले भी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करने के लिए मत भूलिएगा। तो इसी के आज रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।